हाल ही में देश में बढ़े डीजल पेट्रोल के साथ रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर गोवर्धन के युवाओं में खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि देश में जो ये बढ़ोतरी हुई है वो रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां हमारे देश में अभी पेट्रोल डीजल 100 रुपए के आसपास है, वहीं हमारे पड़ोसी देशों में डीजल पेट्रोल के दाम 150 रुपए तक हैं। साथ ही जब ये युद्ध खत्म होगा तब इनसे रेट भी कम हो जाएंगे। देखिए आप, बढ़ने का असर तो सभी पर पड़ ही रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। हमारे यहाँ 60-70 पैसे बढ़े हैं, कोई ज़्यादा नहीं बढ़े। बाहर के देशों में देखिए आप, 50-50, 60-60 रुपये लीटर बढ़ गया। हमारे यहाँ कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन इसका असर तो पड़ेगा ही। लोग 50 रुपये गैस रसोई पे बढ़े, हाँ उसका प्रभाव घरेलू में पड़ेगा, गृहणियों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो क्या मान के चले कि ये केवल युद्ध की वजह से है या फिर चुनावों के बाद? ये केवल युद्ध की वजह से है, युद्ध जिस दिन शांत होगा उसके बाद। अन्य पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव हो गए उसके बाद दोबारा से पैसे बढ़ा दिए। नहीं, चुनाव का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। देखो पत्रकार सर, ये जब से यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ है तब से कच्चे तेल के दामों में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, परंतु ये मोदी सरकार है, उन्होंने तब बिल्कुल भी वृद्धि नहीं की है। परंतु अभी हमारे यहाँ पर दो ही तरह की जो भी जितने भी कॉमर्शियल हमारे यहाँ पेट्रोल पंप हैं वो दो हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ एक तो हमारी जियो की कंपनी है जो रिलायंस चलाती है, और एक कंपनी और है। जब कंपनी को घाटा हो रहा है तब ये लास्ट में हमें बढ़ाना ही पड़ता है। क्रूड के जो कच्चा क्रूड ऑयल है उसके दाम बहुत सारा बढ़ गया है, परंतु हमारे यहाँ फिर भी 80 पैसे या 1 रुपया या 2 रुपये की वृद्धि, मतलब कोई इसमें मतलब इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। क्योंकि पड़ोसी देश श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, नेपाल हो, वहाँ पे हमारे देश से कम 40-50 रुपया महंगा 1 लीटर का मूल्य है। 50 रुपये गैस सिलेंडर पर भी बढ़े, जैसे गृहणियों पर भी बढ़े। देखो आपको भी पता है कि जितना भी गैस डीजल पेट्रोल है वो सारे खाड़ी देशों से आता है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अब हमारे मोदी सर की, मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उनकी बात चल रही है रूस से, और उन्होंने रूस ने कुछ बताया भी है कि हम आपको कम दाम पे गैस प्लस डीजल पेट्रोल देंगे।